देखना आप बोर्ड पे ध्यान देना। अभी हमने इससे पहले क्या कर लिया, कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में। कंपैरेटिव में क्या था, कॉमन साइज में क्या था, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक था, दोनों कर लिया। अब आज जो हम सीखेंगे, पिछले वाले बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं, अपने आप में अलग है, ये है कॉमन साइज। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देखा गया है कि आपका कौन सा टॉपिक आता है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनके हम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं कई बार। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में चैप्टर नंबर थर्ड है, एक तो कंपैरेटिव सीखेंगे, एक कॉमन साइज सीखेंगे, दोनों पॉइंट इसके अंदर हम कवर करेंगे, कंपैरेटिव भी कॉमन साइज भी। सबसे पहले मैं कंपैरेटिव की बात करूं, तो कंपेयर का मतलब फिर से अगेन वही रहेगा कि हमें जो डेटा प्रोवाइडेड होगा वो दो साल का डेटा प्रोवाइड होगा, फॉर एग्जाम्पल 2010 और 2011। तो यहां पे मान लो हमारा 1000 रुपए है और ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है सेल्स, जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको हम यहां पे एंटर करते हैं। एग्जामिनर आपको लिख के देगा वो। अदर इनकम में क्या आ सकता है, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड इनकम, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मतलब आपको जिसकी अलग से इनकम पता चल जाए, उसका कोर बिजनेस ना हो, ऐसे ही आ जाएगा टोटल इनकम जब हम इन दोनों को सम कर देंगे। एक्सपेंस क्या होगा, आपका एक्सपेंस ये कैटेगरी है, इसके नीचे परचेज आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री आएगा। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, हमारा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय से रिलेटेड बोनस, पीएफ सारा इसमें आना है। फाइनेंस कॉस्ट, ब्याज से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सारा। डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन। अदर एक्सपेंस में आ गया सारा, बाकी बेड डेट्स आ गया, स्टेशनरी एक्सपेंस आ गया, लीगल चार्ज हो गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो भी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस, सब कहां आ जाएगा अदर एक्सपेंस में। बैलेंस शीट वाले में हमारा एक एडवांटेज ये था कि वो बना के दे रहा था, हम बस उसको क्या कर रहे थे, कॉलम ड्रॉ कर रहे थे फटाफट। इसमें ये बना के नहीं देगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको याद होना चाहिए कि कौन से स्टेप पे क्या जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एम्प्लॉय बेनिफिट का कोई पॉइंट ही नहीं दिया, तो हम सी पॉइंट फाइनेंस कॉस्ट को दे देंगे। यानी जब एक पॉइंट नहीं होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उससे अगले वाला जो पॉइंट है उसको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिव की मैं बात कर रहा था पहले, कंपैरेटिव में क्या था, आपका जैसे 1000 है, 1000 के बाद आ गया 2000, तो हमें फिर से कंपेयर करना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना चेंजेस आया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज, तो ये आएगा हमारा 1000 रुपए, पॉजिटिव चेंज है हमारा। आगे अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर, बेस ईयर क्या रहेगा 1000, यानी चेंजेस मेरे पास रिजल्ट आया 100%। सेम ऐसे एग्जैक्टली अगर मैं आपको दूं किसी एक्सपेंस का, एम्प्लॉय बेनिफिट का, एम्प्लॉय बेनिफिट का मान लो ये था 2000, 2000 से 25000 हो गया ये खर्चा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज बीच का क्या होगा, डिफरेंस, जो कि हमारा आया कितने, 23000, 2000 से 25000 हुआ, तो डिफरेंस क्या है, 23000। अब डिवाइड किससे करेंगे हम, बेस ईयर से, बेस ईयर क्या है हमारा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो भी हमारा चेंजेस आ जाता है यहाँ पे, उसको हम क्या नाम दे देंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे देखो, देखा जाए तो बोलोगे सर बिल्कुल ये तो वैसे ही है जैसे बैलेंस शीट, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट है, लेकिन फर्क ये है, ये आपको बनाना पड़ेगा और इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देगा जो समझना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैंने आपको दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मैंने अदर इनकम दे दिया, अदर इनकम दे दिया मैंने 500 से या 5000 से जीरो हो गया। अब मैं परचेज नहीं बताऊंगा आपको, आपको मैं परचेज बता ही नहीं रहा, बोलो सर परचेज तो बताओ क्योंकि हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। मैं यहां बोल सकता हूं परचेज हमारा 80% है, किसका भाई 80%, 80% टोटल इनकम का। तो ऐसे सिचुएशन में परचेज आपको दिया तो मैंने है नहीं, तो टोटल इनकम का 80% है, तो यहां पे टोटल इनकम क्या आएगा, 1000 और 5, 6000। तो आपको परचेज जो लेना होगा वो 6000 रुपए का 80% लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों पे अप्लाई होगा, दोनों साल की इनकम निकालेंगे हम,
तो करंट ईयर वाले में करंट ईयर का 80% और प्रीवियस ईयर वाले में प्रीवियस ईयर का 80%, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकता है वो कि हमारा परचेज आ गया, परचेज के बाद बोल सकता है कि हमारा जो फाइनेंस कॉस्ट है वो अदर इनकम का 200% है। तो फाइनेंस कॉस्ट, अब अगर मुझे निकालना हो फाइनेंस कॉस्ट, तो अदर इनकम 5,000, इसका 200% क्या होगा? 10,000 या 15,000? 15,000 ही होगा ना, 200, 10,000, 10,000, 10,000 होगा, ठीक है। अब अगले साल जाएंगे 2011 में, तो 200% अगर कर भी ले तो क्या रहने वाला है? जीरो, क्योंकि वहां पे अदर इनकम का हमारा कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा रहेगा, यानी आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है उसके लिए कुछ पॉइंट्स देगा, उस पॉइंट्स के बिहार पे आप इसको क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। यानी ये बिल्कुल इस तरीके से फॉर्म में बना के नहीं देगा, आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिंपल है, पहले हमारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर क्या है हमारा अदर इनकम, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम, इसके बाद परचेज, फिर चेंज इन इन्वेंट्री, इसके बाद सबसे पहले एम्प्लॉय के बारे में सोचो यानी एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर ब्याज के बारे में सोचो, सिक्योर्ड है क्योंकि, तो फाइनेंस कॉस्ट, फिर आप डेप्रिसिएशन लगा, उसके बाद के सारे खर्चे माइनस करो। ये तो ये पॉइंट आपका हमें पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम पॉइंट को फिल करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा, उसके बाद जाके कंपेरेटिव स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमने पॉइंट किया, फिर उसको फिल किया, आंसर आया, आंसर आने के बाद हमें क्या करना है, कंपेरेटिव। इसने डबल काम पड़ गया, हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना था, हम बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट था फटाफट उतारते थे, लेकिन यहाँ पे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट सही बनाएंगे। अगर इसके अंदर अगर उसने बोला 80% और हमें समझ नहीं आ रहा 80% कैसे होगा, तो हमारा इनकम स्टेटमेंट बनेगा नहीं। जब इनकम स्टेटमेंट बनेगा नहीं तो आप कंपेरेटिव भी नहीं बना पाओगे, या कॉमन साइज जो भी होगा वो आप नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। तो इसके अंदर मेजर है, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन बुक का ही लेंगे और बुक से एक ये पॉइंट हम कवर करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी देखेंगे। तो कॉमन साइज, मैं पहले कॉमन साइज तो अभी बाद में करूंगा, पहले मैं कंपैरेटिव का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। तो आपके बुक में एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। आप आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 8। मिल गया पेज नंबर 3.16, सबको मिला गया ये इलस्ट्रेशन। अब देखो आंसर को बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है, हमें यहाँ पे कहता है प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और देखो क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, इसके अंदर कोई भी आपका अरेंज करके डेटा नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 31 मार्च 2019 और आपका 2018, तो पहले आपको 2018 रखना, फिर 2019 रखेंगे। ये नोट है, नोट सेक्शन अभी हम रहने देते हैं, या नोट लिख देता हूं मैं, और इसे 2018 लिखते हैं और इसे 2019 लिख देते हैं। 2 साल हमने प्रिपेयर कर लिया, इसमें कुछ और भी पॉइंट सीखेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल नहीं, बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कहता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा, पहले 3,20,000। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि डेटा को, जैसे मैंने 5 लाख और 3,20,000 करा और जल्दबाजी में मैंने उल्टा डेटा डाल दिया, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सब कुछ करा ठीक, लेकिन याद ही नहीं रहता कि हमें ईयर सबसे मेन देखना है। इसके बाद फिर से आपका कहता है कि परचेज स्टॉक इन ट्रेड, अदर इनकम है नहीं, इसे स्किप करो, टोटल इनकम निकाल लेंगे। टोटल इनकम आ गया 3,20,000 और ये आ गया 5 लाख। परचेज इन ट्रेड कहता है क्वेश्चन में कि 2,50,000 और 4,50,000। चेंज इन इन्वेंट्री भी दे देगा, नहीं तो वो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दे सकता है। चेंज इन इन्वेंट्री 50,000, 50,000, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आगे कहता है कि अदर एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 8% और 10% अलग अलग कैटेगरी में है।
अब सबसे पहले हमें समझना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है। देखो आपने एक पॉइंट देखा होगा और आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सुना होगा, इसका फॉर्मूला आपने 11th क्लास में किया था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज, बाद में करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, प्लस परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, यही देखा था। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या नाम दे दिया है, नया नाम चेंज इन इन्वेंटरी दे दिया, यही है यहां पे। और परचेज तो परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा जो भी होगा वो रहेगा। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसी को हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बोलते हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, COR मैंने लिख दिया इसको। वैसे इसको क्या बोलते थे, COGS, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये अलग चीज है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें हैं, इसमें कभी मिक्स मत करना सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में देखने के बाद लगता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आ ही रहा है, बस एक आगे कॉस्ट वर्ड ही लगाए तो हम सेल्स ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो COGS बोल रहा है, अगर आपसे बोलता है सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्या बोल रहे हैं, सेल्स। अगर सिर्फ बोलता रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 8% 10% तो हमें इतना नहीं करना पड़ता, हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था उसका हम ले लेते हैं 8% और 10%। अब यहां पे COGS निकालना है तो COGS का मैं फॉर्मूला बोल सकता हूं, चेंज इन इन्वेंट्री प्लस में परचेज, क्या हो सकता है, चेंज इन इन्वेंट्री प्लस में परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। हमारे क्वेश्चन में देखो परचेज भी पता है और चेंज इन इन्वेंट्री भी पता है, तो मैं दोनों डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का यानी सॉरी 2018 में और 2019 में दोनों केसेस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, COGS निकाल सकता हूँ। तो मैं COGS 2000 अगर 18 का पूछो मुझसे तो COGS क्या होगा, COGS होगा हमारा 3,20,000 और प्लस सॉरी 2,50,000 और प्लस 50,000, यही होने वाला है क्योंकि 2,50,000 तो परचेज है और प्लस 50,000 चेंज इन इन्वेंट्री है और वो कितना है हमारा 50,000 रुपए। तो आंसर इज इसका 3,00,000। ये वर्किंग नोट सेक्शन है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया हमने काम। और 2019 के लिए कोई मेरे से पूछे तो मैं बोलूंगा सर COGS या आपका COR कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या मानेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 4,50,000 और प्लस में 50,000, यानी यहाँ का आंसर सर यहाँ पे रहेगा हमारा 5,00,000। क्या ये पॉइंट समझ में आया, तो यानी किसी भी पॉइंट का वो बोल सकता है परसेंटेज, हमें समझना पड़ेगा इस पॉइंट का मतलब ये है, उसका परसेंटेज निकालना सिंपल। तो यहाँ पे 8% बोला गया है तो मैं 3,00,000 का 8% क्या किस चीज के बारे में बोला गया, कौन सा एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, मींस हमारे पास ये भी नहीं है एम्प्लॉय बेनिफिट भी नहीं है, मींस हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं है, मींस हमारे पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी नहीं है। तो जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो पूरा क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फॉर्मेट बनाएंगे, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट हटा के हम सीधा कर सीधा सी पॉइंट किसको डाल देंगे, अदर एक्सपेंस को। और यहाँ पे 8% इसका, तो 8% क्या होगा, 10% इसका 18 का, 10% है तो 30,000 और 8% इसका है तो 40,000, समझ में आया। अब हमारा ये क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस, पहले ये पोर्शन हमारा बिल्कुल अलग है और ये पोर्शन अलग है। अब टोटल एक्सपेंस क्या आएगा, 3,30,000 और ये टोटल कितना आएगा, 5,00,000। यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो हमारा निकलता है हमारा इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो 6 पॉइंट आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। तो इसका कैसे निकाले, इसका सिंपल है भाई, 3 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 3 में से 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 टोटल किस चीज का है, ये एक्सपेंस का है और 3 टोटल किसका है, इनकम का है, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3,20,000 में से क्या माइनस कर दिया हमने, 3,30,000, ये तो नुकसान हो गया, बताओ कितना नुकसान हुआ यहाँ, 10,000। और यहाँ पे भी क्या हो गया, नुकसान हो गया कितने, 40,000। तो नुकसान है तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स बोला हुआ है 30%, तो आपको समझना चाहिए कि इनकम टैक्स पता है किस पे निकालते हैं,
जो ये प्रॉफिट था इसके ऊपर हमें जो 30% क्वेश्चन कहता है इसके ऊपर 30% निकालना चाहिए था, बट इनकम टैक्स हमेशा कब कैलकुलेट होता है? जब प्रॉफिट होगा। इनकम टैक्स ऑलवेज कैलकुलेट व्हेन प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट होगा तब निकालेंगे, और आपको इस क्वेश्चन में पता चल गया कि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं जी, लॉस हो गया हमें यहाँ पे, तो बस हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अगर इन केस समझ लो, मान लो ये प्रॉफिट होता, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम क्या और ड्रॉ करता, टैक्स 30% 3,000, और इसका 30% जो भी था रेट 12,000, उसके बाद माइनस करते, और जो अगला स्टेप निकल के आता माइनस करने के बाद वो होता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम EAT भी बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी देखो हमने क्या करा है, क्वेश्चन को बस सुलझाया है, देखा जाए तो हमने आंसर नहीं करके दिया एग्जामिनर को, सिर्फ क्वेश्चन को सुलझाया है, एक अच्छे से फॉर्म में प्रिपेयर किया है। अब आंसर स्टार्ट होगा, हमें कंपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब हमारा यहां से आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आंसर हमारा स्टार्ट होगा। आंसर कैसे करेंगे, इसके अंदर डिफरेंस लेंगे, क्या है हमारा डिफरेंस, दो कॉलम बनेगा, पहला कॉलम बनेगा हमारा 3,20,000 में से 5,00,000, 1,80,000, और यहां 2,50, 4,50 हो गया, इसका भी ले लेते हैं 3,20, 1,80, यहां भी आ गया, 2,50 से 4,50,30 हो गया, तो 2,00,000, इसमें कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, 30 से 40 हो गया, तो इसका मतलब कितना है, ये भी पॉजिटिव है, 10 से, तो ये क्या है बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव का ही है, तो नेगेटिव का 30,000, क्या यहां तक समझ में आया, इसका डिफरेंस लेते हैं 3,30,000 और 5,40,000, क्या डिफरेंस आएगा, 3,30 माइनस 5, 2,00,000, ये लो जी। अब परसेंटेज कैसे निकालना है, आपको ईच ईयर का पता है, आपको 1,80,000 परसेंटेज डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्या रखेंगे, 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय, ये इसका हो गया फर्स्ट कॉलम का, दूसरे का अगेन सेम रहने वाला है 180, 320 माइनस में, अब बताओ इसका कैसे निकालेंगे, 2,00,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका निकालना है, इसका तो निकलेगा नहीं हमारा, इसका इसका निकालेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय बेस 30 मल्टीप्लाई बाय 100, अब इसका निकालना है 2,10,000, बेस है 3,30,000 मल्टीप्लाई 100, लास्ट वन का भी निकालना है 30,000 माइनस का डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी कैलकुलेटर है नहीं, नहीं तो मैं इसका कैलकुलेटर करके फ्रिक्शन भी निकाल देता कि क्या आ रहा है फ्रिक्शन के अंदर। ये है हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, उसके बाद दो कॉलम ड्रॉ करके फिर आपको उसके बीच का डिफरेंस निकाल के फिर आंसर देना पड़ेगा। तो आप खुद भी सोच सकते हो कि कौन से प्रोबेबिलिटी हो सकता है ज्यादा आने का, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 4 नंबर का क्वेश्चन देगा। तो एग्जामिनर वैसे दोनों ही आए हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा प्रोबेबिलिटी उनको इस पे देते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनवाने पे। ठीक है, क्लियर। अब ये हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 8, फटाफट से नोट करिए इसको, फिर कॉमन हम करेंगे इसके बाद, कॉमन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉमन साइज, कंपैरेटिव तो हमारा खत्म हो गया कॉमन साइज, और उसके साथ एक दो पॉइंट और देखेंगे। कॉमन साइज में क्या होगा, अगेन हमें क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर करना होगा जैसे हमने किया, एक करके भी देखेंगे, उसके बाद हमें हर एक का परसेंटेज निकालना पड़ता है कॉमन साइज में। तो हर एक का परसेंटेज हमारा बेस जो मानेंगे उसमें बेस रहेगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मान लो यहां पे मैं लिखता हूं 10 रुपए, तो इसका परसेंटेज क्या रहेगा हमारा, 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, यानी 100%। अगर ये मैंने लिखा सपोज करो 2 रुपए, तो इसका भी कॉमन साइज निकालना है, कैसे, 2
डिवाइडेड बाय 10 इंटू, तो 20%। अगर मैंने परचेज लिखा 5 रुपए, तो कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। यानी बेस जो हर किसी को डिवाइड जो करना है वो डिवाइड किससे करना है, 10 से। 10 मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। मान लो मेरा टोटल इनकम, या फिर मान लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है हमारा 1 रुपए। अब इसका कॉमन साइज करके दिखाओ, 1 डिवाइडेड बाय बेस क्या मानना है हमें, 10। अब ये बेस 10 क्या है, ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर यहां 50 होता तो बेस में रखता मैं 50 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फर्क रहेगा हमारा कंपेरेटिव में और कॉमन साइज में। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन कई बार एग्जामिनर आपको और थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। मान लो इसने आपको ये दे दिया, सपोज करो ये दे देता है आपको 16,000, आपको परचेज दिया 16,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं देता, और ब्रैकेट में लिख देता है ये 160% ऑफ रेवेन्यू। यानी आपको उसने परचेज दिया 16,000 और ब्रैकेट में क्या लिख देता है, या फिर ब्रैकेट में लिख देता है यहां पे ये 16 की जगह पे कोई आसान सा डिजिट ले लेते हैं, सपोज 80,000, और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम 80,000 रुपीज, ये है ये 80% ऑफ रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू अब आपको निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू से तो आप डायरेक्ट परसेंटेज निकालना आसान है, अगर मैं ये 10,000 देता तो आप 80% निकाल लेते, लेकिन यहां पे मैंने बोला ये जो 8,000 आपको गिवन है वो रेवेन्यू का 80% ही है। यानी अब रेवेन्यू निकाला जा सकता है, रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, यानी अपोजिट उल्टा बता दिया इसने, रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम, रेवेन्यू निकालेंगे 8,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा हमारा 80,000 है, तो 80,000 लो, ये लो 1,00,000 आ जाएगा। समझ में आया पॉइंट क्या है, यानी एग्जामिनर आपको ये पॉइंट भी दे सकता है, उससे भी हम ये निकाल सकते हैं, और यहां पे इस तरीके से देगा तो हम बैक जाके रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं, यानी परसेंटेज के बेस पे हम कैसे भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं यहाँ पे, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका आगे रेशो में भी आएगा, आगे आपका चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर भी आएगा, तो दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए अच्छे से। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर आपके बुक का निकालेंगे, चलो देखते हैं 17, पेज नंबर 3.23। कहता है प्रिपेयर कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉमन साइज बनाना है हमारे माइंड में, ये फॉर्मेट पहले मैंने बना रखा है, मुझे पता है कि आइटम कहां पुट करना है, सिंपल। सबसे पहले पहले कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000 और 10,00,000, तो मैं यहां पे लिखूंगा 7,50,000 और यहां लिख दिया मैंने 10,00,000। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चले तो कहता है अदर इनकम 75,000 और आगे कहता है ये 1,00,000। इसके बाद टोटल निकाल सकते हैं इजीली 7,75,000 और ये 11,00,000। अच्छा हाँ ठीक है, मैं 7,00,000 ले रहा था, 8,25,000। आगे परचेज इन ट्रेड गिवन है आपको 6,00,000 और आगे 7,00,000। उसके बाद कहता है चेंज इन इन्वेंट्री, देखो अब यहां नेगेटिव और पॉजिटिव दे रहे हैं, तो चेंज इन इन्वेंट्री यहां 50,000 माइनस का और यहां प्लस का, आपका प्लस का 10,000। अगर मैं कॉमन साइज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लोगे, अगर कंपेरेटिव होता तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, अच्छा उल्टा लिख दिया 10 और ये लिख दिया मैंने माइनस का। अगर मुझे बताओ, एक बात बताओ, कंपेरेटिव होता है, माइनस का है ये लो माइनस लगा दिया मैंने, अगर होता कंपेरेटिव तो हम यहां पे एब्सोल्यूट चेंज लिखते,
दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बताओ? -60 आएगा। जब प्लस से हम माइनस पे जाएंगे तो हमेशा जुड़ जाता है, और जो डिजिट बड़ा होता है वो उसका सिंबल लिखाएंगे। तो यहां पहले तो 10,000 को आपने जीरो किया ही किया, वो भी नुकसान, और 50,000 का नुकसान कर लिया, तो नुकसान कितने का कर लिया आपने? टोटल 60। तो यहां पे आंसर अगर कंपेरेटिव होता तो हमारा आंसर होता माइनस का 60,000। लेकिन -10 और -50 होता तो क्या होता? क्वेश्चन समझ में आया? अगर -10 और -50 होता तो क्या लेते हैं हम? -40, तब हमारा डिफरेंस अलाउड है। मान लो यहां पे होता हमारा -50 और यहां पे होता 10, तो बताओ क्या करते हैं? पॉजिटिव का 60,000। मैंने क्या बोला? अगर यहां होता आपका माइनस का, मान लो -5 और 1, चेंज निकालो तो आंसर इज 6। अगर -5 -1, आंसर ओनली 4, माइनस का 4 नहीं, क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। तो ये पॉइंट आगे भी आएंगे। आप ये सारी चीजें ना बिल्कुल बेसिक है कि माइनस, आप ऐसे सोचना कि पहले लॉस था उसके बाद आगे कंटिन्यू गए तो हमारा क्या इंपैक्ट आए, उस तरीके से सोचना है। तो कंपेरेटिव में ऐसा एग्जामिनर दे सकता है। कॉमन साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉमन साइज में 1 साल के डेटा के दूसरे साल से कोई रिलेशन नहीं है। चलिए यहां तक तो हमने देख लिया। इसके बाद आगे कहता है ये अदर एक्सपेंस भी दे रखा है आपको 75 और 10, तो ये तो नहीं गिवन। 75 और 10,000, क्लियर? इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्या आ गया हमारा यहां पे? ये 6,10,000, 6,17,500। इसके बाद हमारा क्या निकलेगा? ए माइनस बी, इसको टोटल को क्लोज करते हैं, ठीक है? अब ये माइनस में हम ये करेंगे तो 8,25 में से 6,17 माइनस करो, बताओ क्या आता है? फटाफट माइनस करो, 8,25 में से 6,17, 2,07,500। नाउ टैक्स, टैक्स कितने परसेंट बोला है? 50, तो इसका 50% निकालना है, तो 1,03,750, ये आ गया हमारा फाइनल। इसके बाद माइनस करेंगे और ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेम आएगा। समझ में आया यहां तक? सेम यहां पे रहेगा, इसका टोटल करें तो 7,10,000, 11 लाख में से 7,10,000 जाएगा तो 3 लाख। इस पे कितने परसेंट है? तो 1 लाख, और अगेन ये आएगा। तो ये क्या करा हमने? ये तो अभी क्वेश्चन को हमने ठीक कर लिया, अपने हिसाब से हमने एक स्टेटमेंट बना लिया, और तो कुछ किया नहीं फिलहाल। अब करना है कॉमन साइज। कॉमन साइज हमें किसका करना है? कॉमन साइज हमें करना है 2018 का। कैसे करें? पहले इसका 75 डिवाइडेड बाय 75 इनटू में 100, तो इसका रिजल्ट आया। इसका कैसे करें? 75 ये 1000 है, डिवाइडेड बाय रिजल्ट 10%। समझ में आ रहा है? इसका कैसे करेंगे हम? 8,25,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा। यहां पे देखते हैं क्या आएगा। 6 लाख डिवाइड किससे करना है बताओ? 7,50,000, क्योंकि मैंने बोला हर बार आपको बेस मानना है किसको है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू। अब इसको किससे करेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय इनटू में 100। यहां कैसे करेंगे? 7,500 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू में 100, 1% आ गया ये, ठीक है? इसके बाद यहां कैसे करना है? 6,17,500 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो रिजल्ट आ जाए। यहां कैसे करेंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू में 100। इसके बाद यहां कैसे करना है? यहां तक समझ में आया आपको?
लास्ट वाले ईयर का कैसे करना है, 1,03,750 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इनटू में 100, और लास्ट इसका टोटल का रह गया क्योंकि स्पेस कम था, इसका रह गया। समझ में आया? सेम ऐसे कॉमन साइज हमें किसका करके दिखाना है, 2019। अब 2019 का कैसे करेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय, पहले का तो हमेशा 100% आएगा, अब इसका कैसे करें, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सेम ऐसे इसका करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 10 लाख नहीं आएगा, हाँ 10 लाख ही आएगा। इसका कैसे करेंगे, 7,50,000 डिवाइड, बताओ किससे करें, 7,50,000 डिवाइड किससे करना है, 10 लाख से, यानी कंटिन्यू बेस ईयर यही मानना है, इनटू में 100। इसके बाद यहां पे देखें तो क्या करना है हमें, इस वाले का माइनस डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा, हमारा माइनस में। क्या आप बाकी का कर सकते हो आप इसमें, सिंपल, अब इसे नोट करिए और बाकी का कैलकुलेशन भी। तो ये था हमारा कॉमन साइज, प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना आना चाहिए, ये कॉमन साइज से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन था हमें। आपके बुक में दो इलस्ट्रेशन है इससे रिलेटेड, दो तीन इलस्ट्रेशन है और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। नोट्स टू अकाउंट्स का कोई रोल नहीं रहेगा, हमें स्टेटमेंट भी करना है, नोट्स टू अकाउंट्स देता है तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा, इसका ध्यान रखना है आपने। आपका चैप्टर नंबर 3 हो